अस्सलाम वालेकुम डेयर व्यूअर्स, लर्निंग विद स्माइल के साथ मैं हूँ मोहम्मद अदनान बशीर। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सीडी या डीवीडी को बर्न कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपने सीडी बर्न करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा डीवीडी कंबो ड्राइव। अगर आपने करना ही है डीवीडी को बर्न करना है यानी कि राइट करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा सुपर डीवीडी, और इसके साथ ही आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसका नेम है पावर आईसो। फिर आपको एक डिस्क चाहिए होगी, मसलन ये देखिए डिस्क है। उसके बाद आपने ये करना है, सबसे पहले डिस्क को इंसर्ट करना है। मैंने कंप्यूटर में अपनी डिस्क इंसर्ट कर दिया है, मसलन ये देखिए, मैं आपको भी शो करके दिखाता हूँ। अभी तक शो नहीं हुई, शो होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही एम्प्टी है अभी तक। इसको मैंने राइड करना है तो सबसे पहले मैं पावर आईसो को ओपन करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद ये डबल विंडो ओपन हो गई थी। उसके बाद हमने ये उसकी फाइल पर राइट क्लिक करना है और उसका जो नेम रखना है वो रख लेंगे। मसलन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसका नेम लर्निंग विद स्माइल। आपने जो नेम रखना है वो रख सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे ऐड पर, और जो जो हमने चीज़ उसमें ऐड करनी है जिसको बर्न करना चाहते हैं डिस्क में, उनको सेलेक्ट करेंगे। मसलन ये देखें, मैं 700 MB तक कर सकता हूँ। अगर 700 MB की है तो आप तकरीबन 650 तक करें, क्योंकि वो डाटा उस तरह ज़्यादा महफूज रहता है। थोड़ी सी जगह बाकी बचे तो थोड़ी बहुत स्क्रैच हो जाए तो वो चल जाता है। इस तरह से जो होती है DVD वो होती है तकरीबन 4 GB की, उसमें हम 4 GB डाटा कर सकते हैं। ये है CD, इसमें मैं 700 MB की है, इसमें मैं डाटा इंसर्ट करूँगा। जो भी करना है वो 700 MB तक होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करके हम ब्राउज करेंगे। उसके लिए जब हमने ऐड करना तो यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो ड्राइव ओपन करेंगे जहाँ पर हमने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जिनको हम उसमें ऐड करना चाहते हैं। मसलन मैं ये फोल्डर देखो करना चाहता हूँ पिक्चर्स वगैरह को। इस तरह से ये आइकन टम्पलेट्स वगैरह हो गया, बैकग्राउंड हो गया, इस तरह से पिक्चर्स वगैरह मेरी हैं PNG, ये फोल्डर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए तो ये ज़्यादा बन गए हैं कुछ। इसमें से जिसको डिलीट करना है उसको डिलीट कर देंगे। ये होगी 222 MB। पिक्चर पर जाऊंगा मैं, फोल्डर सेलेक्ट करूंगा। मसला ना, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर करना तो वो भी सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल पिक्चर वगैरह कर रहा हूँ। हम पिक्चर्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे, अगर वीडियो फाइल है तो वीडियो को राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद उनकी मेमोरी देखेंगे कितनी मेमोरी बनती है। ये 980 MB बन गई है। इसी तरह से मैं इस पर सिंपल एक फोल्डर पर क्लिक करते इसकी MB देखता हूँ कितनी है, 123 MB। इस तरह से कुछ और कर लेते हैं जो हमें ख़ास चाहिए ज़्यादा ज़्यादा। यहाँ से चूज़ करते जाएंगे जिन जिन को हम महफूज करना चाहते हैं, अपने पास CD में लेकर आना चाहते हैं।
इस तरह से ऐड करते जाएंगे जो जो हमने ऐड करनी है। सेलेक्ट करने के बाद हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर आ गई होगी 68%। अगर हमने कोई वीडियो करनी तो वीडियो भी कर लेंगे, मसलन मैं जाता हूँ जो मैंने वीडियो कर ली है। उस वीडियो को मैं सिलेक्ट करूँगा, मसलन ये मैंने इंट्रोस की करनी है, इस पर क्लिक करूँगा, ऐड किया 70% होगी। इसी तरह से कोई और देखते हैं, अगर कोई वीडियो करने वाली है तो वीडियो करेंगे, अदरवाइज कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह करने हैं तो सॉफ्टवेयर्स को भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स पर गए, यहाँ पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। मसलन ये VLC मैंने सेलेक्ट किया, समाप्त 2017 कर दिया, माइक एम फॉक्स ट्रेडर IDM रजिस्टर्ड 99% हो गई। अब हमने सिंपल बर्न पर क्लिक करना है, ये देखें 0%। अब हम यहाँ पर फिर करेंगे बर्न तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, डू नॉट डिस्प्ले अगेन। ओके, ये फाइल्स वगैरह हमारी स्कैन हो रही हैं, स्कैन होने के बाद हमारा डाटा जो बर्न होना स्टार्ट हो गया। ये देखें 0% है, इसके बर्न होने का हम वेट करेंगे। ट्वेल्व परसेंट 13% ये जा रही है तकरीबन। नाइन्टी परसेंट 100% ये हमारी हो चुकी है। आप यहाँ पर ऑप्शन आएगा, हंड्रेड परसेंट होने के बाद ये देखिए आ गया। इस तरह से जो हमारी है CD-ROM या DVD, जो हमारी कंबो ड्राइव है ना, वो ओपन हो गई है। उसमें से जहाँ पर डिस्क डाली जाती है वो जगह बाहर आ गई है। अब हम इसको एग्जिट कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। अब हम मैं उसको दोबारा इंसर्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले डिस्क किस तरह से थी और अब उसमें क्या क्या है। ये देखिए रॉ डाटा है ड्राइव, ये देखिए 651 MB है जो हमने उसमें ऐड की है। ये देखिए ये कुछ हमारी ड्राइव में है, CD में ये पिक्चर्स वगैरह मैंने ऐड की थी, सॉफ्टवेयर्स वगैरह कुछ ही पिक्चर है अपनी वीडियो। मैं उस वीडियो को ऊपर करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, इस तरह से अगर आप जो कुछ भी आपने उसमें ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं और उसको बर्न कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।